हेलो गाइस, लगभग एक साल पहले हमने मैकडॉनल्ड्स के बर्गर पर ट्रांसपेरेंट एपॉक्सी का लेप किया था जो प्लास्टिक में बदल गया है। इसके अलावा हमने फ्रेंच फ्राइज और आम स्ट्रॉबेरी के साथ भी ऐसा ही किया था। अब वक्त आ गया है खोल को काटने का और देखने का कि उनके साथ क्या हुआ, या शायद कुछ चखने का भी। दरअसल बर्गर दिखने में ज्यादातर वैसा ही था, लगता है जैसे इसके लिए एक साल पहले वाला पल वहीं जम गया था। हालांकि इसका रंग उतना चमकीला नहीं है, मेरे लिए ये अभी भी खाने लायक है। बर्गर को उल्टा करने पर हमने देखा कि बन का हिस्सा ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से होकर अंदर चला गया है, जिससे एक छेद बन गया है। हमने बर्गर को टेबल पर जकड़ा और ध्यान से एक छोटी सी आरी से आधा काट दिया। प्लास्टिक काफी सख्त था, इसीलिए इसमें हमें थोड़ा वक्त लगा, लेकिन 20 मिनट की मशक्कत के बाद हम बर्गर खोलने में कामयाब रहे। इसे देखें, ये इतना बुरा भी नहीं लग रहा है, इसमें कोई फफूंदी नहीं है। ओहो, लेकिन इसमें हद से ज्यादा गंद आ रही है, मानो हमने एक मरी हुई बिल्ली को खोल दिया हो। हमें लगता है कि इस बर्गर को रासायन हथियार की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नाक को ढकते हुए हमने बन का एक टुकड़ा लेने का फैसला किया। ये मैकडॉनल्ड्स के ताज़ा बन जैसा ही दिख रहा है, इसका टेस्ट उतना ताज़ा नहीं है, लेकिन फिर भी ये बन जैसा ही दिख रहा है। चलिए पैटी का एक टुकड़ा लेते हैं, ये दिखने में अच्छा लग रहा है। माफ कीजिएगा, हम इसका टेस्ट नहीं ले सकते क्योंकि हम थोड़े दिन और जीना चाहते हैं। आखिरकार हमें जल्द ही चिड़िया के घर के बारे में एक और वीडियो शूट करना है। अगर आपने पहले वाला नहीं देखा तो उसे जरूर देखें। साथ ही हमने फ्राइज के ऊपर भी एपॉक्सी डाला था। बर्गर की ही तरह ये दिखने में बदला नहीं है, और इसे छोटी सी स्टिक से बाहर निकालने के बाद हमें पता चला कि इसका टेस्ट भी अभी भी फ्राइज जैसा है। और मीठे में अगर आपको याद हो तो हमने एक छोटी पकी हुई स्ट्रॉबेरी को जमाया था। एक साल में इसका रंग काफी बदल गया था, लेकिन सूरज की रोशनी में इसे देखने के बाद हमें एहसास हुआ कि ये शेप में छोटा भी हो गया था। सबसे पहले हमने पतले खोल को काट कर खोला, ये हमें कुछ एलियन के अंडे की खोल की याद दिला रहा है। स्ट्रॉबेरी का शेप बदल गया और ये ब्राउन गम या कोई अजीब चीज के टुकड़े जैसा दिख रहा है। इसमें स्ट्रॉबेरी की तरह महक आ रही है और इसके टेस्ट से लगता है कि ये खाने लायक भी है, इसीलिए इसकी सदा से बीज डाल में चिपक गए हैं और खोल के अंदर ही रह गए हैं। अब आप जानते हैं कि ढेर सारे लोगों को बर्बाद करने का बर्गर कैसे बनाया जाता है।